नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम योग के क्या क्या फायदे हैं, योग कब करना चाहिए और योग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे तथा योग करते समय या योग करने के दौरान हमें जो खान पान का ध्यान रखना होता है वो किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या खान पान में लेना चाहिए, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जैसे कि किस किस रोग के लिए पर्टिकुलर कौन सा आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। बल्कि योग तो हमारे सभी रोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जो स्पेशल कुछ जो आसन होते हैं वो एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और उनसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह हम इन सभी आसनों के बारे में जानेंगे, योग के और भी कई तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको इसी वीडियो में सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, योग नियमित करने से शरीर की कार्य प्रणाली बेहतर होती है, मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ता है, इसलिए कह सकते हैं कि यह सेहत की योगशाला है। योग को वेद व उपनिषद के समय से ही अपनाया जा रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि द्वारा शुरू किए गए अष्टांग योग के बाद से इसका प्रयोग बढ़ गया है। आयुर्वेद में योग का जिक्र है जिसमें मानसिक फायदों के बारे में बताया गया है। खराब जीवन शैली व गलत मुद्रा में बैठने व चलने से जीवन शैली संबंधी रोगों को रोकने में योग कारगर है। योग के अंदर बताया गया है कि हमारे शरीर में 12 प्रमुख नाड़ियाँ दिमाग में हैं, जो 7 चक्र होते हैं उन्हें जागृत किया जाता है योग के द्वारा, तभी यह 12 प्रमुख जो नाड़ियां हैं वह सक्रिय होती हैं और हमारा मस्तिष्क जो है पूरी क्षमता के साथ कार्य करता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 बजे उठने से और उस समय योग करने से बहुत ही लाभ मिलता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और हमें बहुत ही शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, योग के फायदे में के बारे में हम बात करें तो शारीरिक रूप से मांसपेशियों में लचीलापन आने से प्रसव के दौरान गर्भवती को कम परेशानी होती हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वह अगर योग करती हैं तो उन्हें प्रसव के दौरान जो परेशानी होती हैं उसमें भी कमी आती है। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंजरी की आशंका घटती हैं, जो उनमें स्पोर्ट्स के दौरान जो चोटें लगने की या कुछ मोच चोट वगैरह आने की जो प्रॉब्लम होती है वह भी योग के द्वारा दूर हो जाती हैं। फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम योग के अंदर श्वास को बहुत ज़्यादा लेते हैं जिससे हमारी जो फेफड़ों की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाती है और फेफड़े बहुत ही शुद्ध हो जाते हैं। और मानसिक रूप से देखा जाए दोस्तों तो दिमाग में मौजूद फील गुड DHEA हार्मोन के बढ़ने से व्यवहार खुश मिजाज होता है, तनाव का स्तर स्वतः घटता है, ज्ञानेंद्रियों के जागृत होने से दिमाग की नसों को फायदा होता है। इस प्रकार यह दिमाग के लिए और हमारे मस्तिष्क को विकसित करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, योग करने का सबसे अच्छा जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि उस समय बहुत ही अच्छा समय रहता है और वहाँ उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही अच्छे से रहती है। सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त योग क्रिया खुली व हवादार जगह में करें। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। योग करने से व्यक्ति के स्वभाव प्रभावित होता है। पीला, क्रीम, सफ़ेद या हल्दी रंग के कपड़े मन दिमाग को शांत व शीतल रखते हैं, इसलिए इसी रंग के कपड़े पहनने चाहिए योग करते समय, और ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने योग करते समय, बल्कि ढीले कपड़े पहने, जिससे योग करने में आसानी होती है और मन भी शांत रहता है। योगासन करते समय ढीले कपड़े पहनने चाहिए। 10 मिनट से योग प्रैक्टिस शुरू करके क्षमता अनुसार अवधि बढ़ाएं, 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट तक इस अवधि को बढ़ाएं, जिससे आपको योग का और अधिक लाभ मिलेगा। इस दौरान सोच आदि के वेग को ना रोकें। अगर आपको सोच आ रही है तो उसको वेग को ना रोकें, बल्कि उससे निवृत्त हो जाएं और खाली पेट रहते हुए योग करें। और दोस्तों, अब आगे बात करते हैं खान पान के बारे में। खान पान योग के समय किस प्रकार का होना चाहिए? यदि आप नियमित योग व व्यायाम करते हैं तो एक बार में भोजन लेने की बजाय थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं। इससे मेटाबॉलिज्म शक्तिशाली होता है और सही रहता है। योगाभ्यास के कम 10 से 15 मिनट बाद नारियल पानी, फलों का रस, नींबू पानी, छाछ, लस्सी लें। ध्यान रखें कि 1 घंटे बाद ही भोजन लें।
भोजन से पहले सलाद ले सकते हैं, जितना हो सके हल्का व सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि योग करने से हमारे जो शरीर में है वो गर्मी रहती है, तो उसके लिए कुछ समय रुक के आप नींबू पानी, नारियल पानी कुछ ऐसा कुछ पी सकते हैं, जिससे आपका शरीर डिहाइड्रेट नहीं होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, कुछ सावधानियां हैं जो योग करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। भोजन के तुरंत बाद योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद योग करने से हमारे शरीर का जो एनर्जी है वो हमारे भोजन को पचाने में लगी होती है, इसलिए हम अगर योग करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ही होती हैं, योग का कोई भी फायदा नहीं होता है। गंभीर रोग हो या दर्द हो शरीर के अंदर, महिलाएं अगर महावारी के समय हों, प्रेगनेंसी में जटिल परिस्थितियों में हों, तो योग नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच से निर्वृत्त हुए बिना कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए योग से जुड़ी हुई। रात भर तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीकर सोच से निवृत्त हों, फिर उषा काल में सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ करने और मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। और अगर आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उससे पहले भी अगर आप वार्मअप जो करते हैं वह इसी योग की जो सूर्य नमस्कार क्रिया है उससे ही निकला हुआ है, इसलिए सूर्य नमस्कार आपके बॉडी के वार्मअप के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि किन किन रोगों के लिए स्पेशल कौन कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाएगी। वैसे तो योग के तहत क्रिया व योगासन से पूरे शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही कुछ खास रोगों में भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, जैसे कि डायबिटीज के अंदर सूर्य नमस्कार, कपालभाति, मयूरासन, अग्निसार क्रिया और कुर्मासन व पाद पश्चिमोत्तानासन से पेंक्रियाज सक्रिय होता है और इंसुलिन हार्मोन जो है वह संतुलित रहता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आगे दोस्तों, अगला जो बीमारी है वह है थायराइड। थायराइड के अंदर सर्वांगासन, उष्ट्राचन और उज्जायी जो क्रिया है, उज्जायी प्राणायाम जो होता है, उससे थायराइड ग्रंथि सुचारू तरीके से कार्य करती है और थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वह दूर हो जाती है। आगे दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा होता है उसको कम करने के लिए सूर्य नमस्कार, कपालभाति और वक्रासन से पेट की चर्बी घटती है और शरीर एकदम हल्का हो जाता है और बिल्कुल ऊर्जावान रहता है, स्फूर्तिदायक हो जाता है, आलस्य खत्म हो जाता है। आगे दोस्तों, एसिडिटी, कब्ज या अजीर्ण जैसी कुछ प्रॉब्लम हो, डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो गया हो, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वज्रासन, पवन मुक्तासन, पाद पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छे से, जो ये आसन होते हैं बहुत ही असरकारी होते हैं, आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है या पाचन क्रिया से जो भी कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। सिर दर्द के अंदर शीर्षासन, भ्रामरी, सिद्धासन व सर्वांगासन से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती हैं और 15 मिनट में इससे सिर दर्द में आराम मिलता है। बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा हो उस समय शीर्षासन ना करें, बल्कि भ्रामरी प्राणायाम, सिद्धासन और सर्वांगासन कर सकते हैं। यह आसन आपको सिर दर्द से मुक्ति दिलाते हैं और आपके माइंड की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाते हैं। आगे दोस्तों, अस्थमा। अस्थमा से बचने के लिए गौमुखासन, भस्त्रिका, उत्तान मंडुकासन व अनुलोम विलोम से फेफड़ों को ताकत मिलती है और श्वास संबंधी रोगों में भी लाभ मिलता है। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस प्रकार की, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए आप नियमित 15 मिनट ध्यान व लाफ्टर थेरेपी से इन सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान करने से हमारे माइंड के अंदर गुड हार्मोन जो है, हैप्पी हार्मोन, वो स्रावित होता है और उससे हमारा माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस करता है, उसके अंदर बिल्कुल भी तनाव नहीं रहता है। और दोस्तों, अब जो जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द या अन्य कोई भी दर्द हो, उनसे बचने के लिए आप गर्दन के लिए भुजंगासन, शलभासन, कमर दर्द के लिए वक्रासन, त्रिकोणासन, सर्पासन व चंद्रासन व घुटने के दर्द के लिए ताड़ासन करें। दोस्तों, इन सभी आसनों को आप किसी विशेषज्ञ की निगरानी में करें, जिससे आपको किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो इसको पूरी एक जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान करें, बिल्कुल भी अपने पोस्चर को ना बिगाड़ें। अगर आप पोस्चर को बिगाड़ते हैं, इसका मतलब आप आसन नहीं कर रहे हैं,
बेकार में आप अपने शरीर के अंदर नुकसान करेंगे, इसलिए आप उस पोस्चर को अगर करें तो उसको पूरी तरीके से करें, सही तरीके से करें, या आप सहारा लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन वह पोस्चर सही होना चाहिए जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं योग की मुख्य जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जो 8 क्रियाएं हैं उनका हमारे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और योग के अंदर हम अगर कार्य करते हैं, योग की साधना करते हैं, तो उनके लिए हमें कौन कौन सी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों योग की प्रमुख 8 क्रियाओं को क्रमानुसार करना चाहिए, इससे शरीर व मस्तिष्क दोनों को फायदा मिलता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 क्रियाएं होती हैं। तो पहली जो है यम, यम जो है इससे योग की शुरुआत करते हैं, और यह धार्मिक, सामाजिक आदि वर्गों में सोच को सकारात्मक बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा हम अपने मन, विचारों और आसपास की जो सामाजिक व्यवहार है उसको शुद्ध करते हैं। और दोस्तों अगला है नियम, नियम के द्वारा हम अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपने मौखिक व्यवहार को शुद्ध करते हैं, अपनी वाणी में संतुलन बनाते हैं, तो वही नियम कहलाता है। अपने शरीर को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना और मौखिक रूप से अपने आप के व्यवहार को शुद्ध करना नियम होता है। तीसरा होता है दोस्तों आसन, आसन के तहत, इसके तहत किसी भी आसन यानी कि सुखासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या पद्मासन या और भी कई आसन हैं, उनके अंदर अपने आप को स्थिर करना ही आसन कहलाता है। और उनमें बैठ कर योग की जो प्रक्रिया करते हैं या प्राणायाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वही हमारा आसन कहलाता है। और दोस्तों आगे आता है प्राणायाम, इसमें श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के दौरान सांस को नियंत्रण कर इसके बाद मन को काबू में किया जाता है, मन को नियंत्रित किया जाता है, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। और दोस्तों आगे आता है प्रत्याहार, प्रत्याहार के अंदर इसमें पंच ज्ञानेन्द्रियां यानी कि आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा, इन सभी को साथ मस्तिष्क को भी नियंत्रित कर योग से शरीर के अंदर व बाहर हो रहे बदलाव को संतुलित करते हैं। और दोस्तों यही प्रत्याहार होता है। अगला जो है धारणा, धारणा के अंदर इसमें व्यक्ति को अधिक प्रयास करना होता है, जो कि पांचों जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनको बिल्कुल एकाग्र करते हैं, बिल्कुल नियंत्रित करके उनको बांध कर एक जगह पर स्थिर कर देते हैं, ताकि बाहरी जो विषय वैराग्य हैं या राग द्वेष हैं उनसे हम अपने मन को हटा के अपने अंदर केंद्रित कर सकें। इसलिए वह धारणा की प्रक्रिया होती है जिससे हम अपने मन को एकाग्र व केंद्रित करते हैं। फिर आगे जो स्टेप आती है जिसे ध्यान कहते हैं, और इसमें आंख बंद कर किसी एक बिंदु या कोई भी ऐसी चीज जो सकारात्मक हो उसके बारे में अपने मन को नियंत्रित करते हैं, और उस बिंदु पर अपने सोच को बिल्कुल सकारात्मकता से केंद्रित कर देते हैं। यही ध्यान की प्रक्रिया होती है। और वह समाधि जो 8वां और अंतिम अंग है योग की, इस अंतिम प्रक्रिया तक कम लोग ही पहुंचते हैं। इसमें व्यक्ति शून्य की स्थिति में चला जाता है, और गहनता में जाने का अर्थ ही मन मस्तिष्क को काबू में करना होता है। तो दोस्तों यह एक समाधि की प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने मन को बिल्कुल नियंत्रित कर लेते हैं, अपने मन के साथ साथ अपने शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, और उसी समय हम समाधि में होते हैं। ध्यान और समाधि के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हम ध्यान में अगर बैठे हैं 3 घंटे और 36 मिनट तक बिल्कुल शांति से बिना किसी प्रॉब्लम के किसी आसन में हम ध्यान में बैठ जाते हैं, तो हमारा ध्यान सिद्ध हो जाता है और उसके बाद हम समाधि के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए गहन साधना की जरूरत होती है, और भी कई जो बाह्य चीज़ें होती हैं उन पर भी हमें नियंत्रण करना पड़ता है, तभी जाके हम इस योग की प्रक्रिया को सिद्ध कर पाते हैं, और इसके बाद हम अनेक चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। कुछ दिनों बाद 21 जून है, और 21 जून को विश्व योग दिवस है, तो मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। मानव शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों में से प्रमुख 12 नाड़ियाँ दिमाग में होती हैं। आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना हैं। इसी क्रम से 6 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरम, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, और एक होता है भ्रमरन जो कि अंतिम चक्र होता है, वह शून्य चक्र माना जाता है। इस प्रकार यह 7 चक्र होते हैं। शरीर में सबसे नीचे स्थित मूलाधार चक्र योग से सर्वप्रथम जागृत होता है। इसके बाद जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो आगे के स्वाधिष्ठान,
मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, ज्ञान चक्र और हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और इससे हम इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर पाते हैं और अपने जीवन को दिव्य बना पाते हैं, दिव्यता को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आप अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं और योग के बारे में अनेक तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। योग दिवस आने वाला है, उस दिन सभी को योग करना है और अपने जीवन को योग से जोड़कर उन्नत बनाना है। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।